हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ संगम इलेक्ट्रॉनिक चैनल में। मैं आपको दोस्त के मेरे पास एक डीटीएच आया दोस्तों रिपेयर के लिए। कस्टमर ने बताया कि जब डीटीएच को पावर देते हैं तो इसमें कोई लाइट शो नहीं कर रहा है, इसका डिस्प्ले में यही प्रॉब्लम है। जब मैं इसके बॉडी को खोलकर देखा तो इसमें का मेन लीड वायर टूटा हुआ भी है। तो मैं सबसे पहले मेन लीड वायर को इसके सप्लाई में कनेक्ट करके दिखाता हूँ क्या इसमें का लाइट जलते हैं कि नहीं, उसके बाद आप लोगों को रिपेयर करके दिखाएंगे। दोस्तों, इस डीटीएच में कस्टमर ने मुझे इस वाले सप्लाई को नया लगाने के लिए बोला है, तो देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं मेन लीड वायर को कनेक्ट करके चेक करके देखता हूँ इसके डिस्प्ले में लाइट आते हैं कि नहीं। मैं सप्लाई में मेन लीड वायर को कनेक्ट कर लिया हूँ, एक बार पावर ऑन करके देखेंगे। मैं पावर ऑन कर लिया हूँ दोस्तों, इसके डिस्प्ले को देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो डिस्प्ले में लाइट आ गया है और 113 नंबर भी बता रहा है दोस्तों। इसका मतलब यहाँ डीटीएच ठीक है, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एक बार इस डीटीएच को टीवी में चला कर देखूँगा। मैं डीटीएच को टीवी से कनेक्ट कर लिया हूँ दोस्तों, एक बार पावर ऑन करके देखता हूँ। मैं पावर को ऑन कर लिया हूँ, टीवी स्क्रीन को देखेंगे, देख सकते हो यहाँ पर डीटीएच भी चालू हो गया है। जबकि कस्टमर ने मुझे नया सप्लाई बदलने के लिए बोला है। टीवी स्क्रीन को देख सकते हो, वीडियो भी बहुत अच्छे से चल रहा है, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इसी तरह का प्रॉब्लम आपके पास भी आ सकता है। फॉल्ट छोटा है मगर बहुत बड़ा बन गया है, देख सकते हो इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका वायर टूट गया था, उसका कनेक्शन करने पर यहाँ डीटीएच चालू हो गया है और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। मैं इस डीटीएच के बॉडी को लगाकर कस्टमर को दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है।